एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद हनी में। तो आज हमारे किचन में बन रही है बीफ कढ़ाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम कोई भी पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 ग्लास पानी के। और अब मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त। गोश्त यहाँ पर मेरे पास है 1.5 kg। ये मैंने पहले से ही धोकर साफ करके रखा था। ये इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब चम्मच चलाएंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑन। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से गोश्त गलने तक। और ये देखें, आधा घंटा हो चुका है और ये गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के जितना ऑयल। और टमाटर हमने ले लिए हैं 1/2 kg। ये हमने छोटे छोटे से कट कर लिए हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। ये मेरे पास 2 ग्रीन चिलीज़ हैं जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। ये ऊपर से छिड़क देंगे और चम्मच चला लेंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और गोश्त आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसे दोबारा से कवर करके 7 से 8 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये देखें, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम फ्लेम को कर लेंगे हाई और इसे अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक पानी खुश्क हो जाने तक थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब इसमें 2 टेबलस्पून के जितना नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फेंटी हुई दही। दही आप जब भी ऐड करें किसी चीज़ में तो दही को हमेशा फेंट लिया करें, फिर ऐड किया करें। अब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसकी 2 से 3 मिनट मज़ीद भुनाई कर लेंगे। और ये देखें, साइडों से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और मैं इसको डिश आउट करके फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, हमारी कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी है। कोई भी इतने मुश्किल मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं, वही घर के जो मसाले होते हैं वही डाले हैं। और डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉपकी हुई ग्रीन चिलीज़ और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर गार्निश कर दी है। चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू भी छिड़क सकते हैं, तो इससे इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके लास्ट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।